हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री मनीष शर्मा कमांडेंट यहाँ पे पधारे हुए हैं, स्वागत करिए उद्घाटन समारोह पे श्री मनीष शर्मा कमांडेंट 177 बटालियन सीआरपीएफ। ये आज 177 बटालियन सीआरपीएफ ने तुलीबल एरिया में एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें यहाँ की आवाम के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिसिन सबको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 177 बटालियन के डॉक्टर्स के अलावा सिविल के डॉक्टर्स और उनकी टीम को भी शामिल किया गया है, जो कोविड का वैक्सीन भी यहां के आवाम को प्रोवाइड करवाएंगे। इससे पहले भी 177 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कोविड का जब प्रकोप बहुत ज्यादा था उस समय करीब 600 परिवारों को राशन और मेडिसिन, इम्यूनिटी बूस्टर्स, सैनिटाइजर और मास्क वगैरह ये प्रोवाइड किए थे, और उसी श्रृंखला में अब हम मेडिकल कैंप आयोजित कर रहे हैं। और आज के बाद में भी अलग अलग सोपोर के हिस्सों में करीब 6 मेडिकल कैंप आयोजित करने का हमारा प्लान है। 177 बटालियन सीआरपीएफ यहां की आवाम की खुशहाली के लिए, यहां की प्रगति, अमन और शांति के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और हर समय तत्पर है। मैंने अपने यहां के आवाम से इंटरेक्शन के दौरान भी यही आह्वान किया है कि किसी भी तरह की परेशानी के समय, किसी भी तरह की जरूरत के समय वो झिझक, बिना झिझक सीआरपीएफ को अप्रोच करें, और सीआरपीएफ हर समय उनकी मदद करने के लिए तैयार है, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो या किसी भी ढंग की हेल्प हो। साथ ही मैंने यह भी आह्वान किया है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई में और खेल में ज्यादा और इन्वॉल्व होने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि वो एक बेहतर नागरिक के रूप में बड़े हों और सोपोर और कश्मीर की खुशहाली, प्रगति, अमन और शांति में अपना सक्रिय योगदान दे सके।